जंगल गार्डन गार्डन हो गया। हेलो एवरीवन, आई एम ऑन अ वेकेशन। Hello everyone, this is future Heli, which is editing Heli. But this is not a happy thing जो मुझे आपसे बात करना है. It's 21 more days of lockdown. अभी PM has addressed us on the news. Please follow it. उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए. Also, online कुछ मत खरीदना. जो वीडियो आप अभी देखने वाले हो मैंने फरवरी में बनाई थी, और जो भी सामान ये वीडियो में मैं बता रही हूँ वो मैंने दिसंबर में खरीदा था. So everything in this video is that old, and I'm going to be posting as many videos as I can in the whole of this period, lockdown period, ताकि घर पे बैठे बैठे ऐसा लगे कि कोई तो है यार साथ में. आप जो भी वीडियोज अभी देखोगे, जो भी बाहर वाले वीडियोज है, वो सारे पुराने वीडियोज. सेफ रहना घर पे, और आपके घर वालों को भी बाहर जाने मत देना. आपके दादा दादी मॉम डैड सबको खींच के अंदर बिठा के रखना. डोंट लेट देम गो आउट. या I'll see you at the end of the video. It's a very छोटू सा वेकेशन. I've come to नाशिक, जो मुंबई से बहुत नजदीक ही है. मॉम डैड यहाँ पे हर साल आते हैं एंड मुझे ऑलमोस्ट एवरी ईयर लेके आते हैं. दिस टाइम आई थॉट कि मैं बहुत सारे कपड़े ले आती हूँ, यहाँ पे हॉल शूट करने का ट्राई करूंगी, बिकॉज अच्छा फ्रेश चेंज हो जाएगा एंड हमें भी मजा आएगा. सो आज का हॉल होने वाला है SheIn हॉल, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट कलरफुल हॉल यू विल हैव एवर सीन. You will ever have seen. I need to give myself some grammar tuition. इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे बाहर आके शूट करने में, बिकॉज आई एम लिटरली इन माई होम स्लीपर्स. इन माई होम स्लीपर्स. ऑल्सो प्लीज मेरे बालों को जज मत करना, चार दिन से धोए नहीं है. आई हैव बिन टेकिंग द पीरियड रूल वेरी सीरियसली कि फोर्थ डे तक बाल नहीं धोने चाहिए, तो आज बस खत्म हो जाएगा. जिम तो हम जा रहे हैं, जिम ओ टी डीज अपने छा रहे हैं. तो आई बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द जिम, एंड आई बॉट सम यूनिक पीसेस हियर एंड देयर, जैसे कि ये नियॉन वेलवेट टॉप, ब्यूटिफुल. सो लेट्स बिगिन द ट्राय ऑन पार्ट. आई ब्रिंग द फर्स्ट आइटम सारा ना पीछे रखता है. So the first outfit I want to show you are these shorts, जिनका waistline graphic है, इसपे लिखा New York, London, Paris, Los Angeles. Okay, I just have to come back and apologize for the audio. It's very bad, इसलिए मैं usually outdoors, मेरे balcony में या कभी garden में shoot नहीं करती, because living in any city like Nashik is not Mumbai, but it was still quite noisy because it's a city. तो बहुत traffic आवाज आता है, so I'm really sorry, but बस ये video सहन कर लो. I won't shoot outdoors again. एंड इसका मटेरियल एक्चुअली काफी सॉफ्ट तो है, बट एक चीज है कि SheIn के शॉर्ट्स आर काइंड ऑफ लाइक अ हिट एंड अ मिस फॉर मी. का कंफर्ट लेवल इतना अच्छा नहीं है जितना फॉरएवर 21 या H&M का मुझे लगता है, इसलिए इवन तो मैंने दो तीन शॉर्ट्स ले लिए थे SheIn से, बट 450 रुपए के लिए आई डोंट रिकमेंड दीज. ये यहाँ से मत लेना, इतने में आपको फॉरएवर 21 के सेल से मिल जाएगा, या तो H&M के फ्रेश शॉर्ट्स भी लेना बेटर है, बट कम्फर्ट लेवल पहले आता है. बट ये वाला टॉप जो मुझे SheIn से मिला था, इसका कंफर्ट लेवल इज नेक्स्ट लेवल. बहुत ही अच्छा कंफर्ट है इसका. इसका फैब्रिक ना बहुत सॉफ्ट है, कॉटनी फील है, इसलिए इट सिट्स वेरी वेल ऑन द बॉडी, एंड ये ब्रीदेबल फैब्रिक है. आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी, एंड स्वेट हुआ भी तो एब्जॉर्ब कर देगा. एंड एज आई ऑलवेज टेल यू कि अगर यहाँ पे वाइट बॉर्डर है, तो वैसे तो सिमिलर अगर आपके बॉटम में होगा ना, इट लुक लाइक अ पैर. आई ट्राई टू शो यू इट. दिस इज वॉट दिस लुक्स लाइक. लगता है ना मैचिंग सेट, बोला था ना कि मैचिंग व्हाइट बॉर्डर एंड व्हाइट बॉर्डर लुक्स गुड एनी डैम डे. एंड ये पूरा सेट फॉर द प्राइस दैट वी पेड, इट्स वेरी वेरी नाइस. SheIn का कैसा है ना कि यू वोंट गेट द बेस्टेस्ट क्वालिटी, क्योंकि हम जितना पैसा भर रहे हैं ना, सिर्फ उतने टाइप का क्वालिटी एक्सपेक्ट कर पाएंगे. अगर बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी कपड़ा चाहिए ना, तो यहाँ से मत लेना, कहीं और से लेना. बट अगर बजट थोड़ा कम है एंड लेटेस्ट फैशन ट्राई करना है, तो यहाँ से लेना चाहिए. दैट फॉर दिस सेट आई लुक फॉर, एंड या लव दिस सेट अ लॉट यार. वेकेशन वाले वाइब्स आ रहे हैं अभी ऐसे कपड़े पे. I'll bring the next thing. Next, I bought same pattern में दो अलग कलर. तो फर्स्ट वाला था ये, इट्स अ टील टील कलर, ग्रीनिश ब्लू कलर का ये टॉप है, स्क्वायर नेक है, एंड ये वाला साइज आई थिंक स्मॉल या मीडियम है, स्मॉल है. एंड आई ऑल्सो बॉट अ लार्ज इन अ रेड कलर,
Yeah, so the reason why I buy a lot of my things in the size large from Shein is because inka material bahut hi body fitting type aata hai, ya to maybe because they're based out of China, unka sizing chart kaafi alag hai jo mujhe yahan pe India mein milta hai usse, so inka large mujhe most of the times large hi barabar se aata hai and usually baaki brands mein mujhe small se medium aata hai, so remember that अपने साइज से एक साइज तो बड़ा ही प्रेफर करना शीन से अगर कुछ ले रहे हो तो. ट्रायल करने में बड़ा आलस आता है आजकल, लाइक आई एम स्लोली टर्निंग इन टू माई डैड. शॉपिंग के वक्त वो भी बहुत ग्रंपी हो जाता है कि छोड़ना क्यों ट्रायल करना यार. दिस वर्क्स तो मुझे एकदम ज़्यादा ही बॉडी फिटिंग नहीं पसंद रही, जब से मेरा वेट गेन हुआ है मेरे पुराने कपड़े मुझे बहुत ही टाइट फिट आता है तो मुझे सफोकेटेड फील कराता है, इसलिए आई लाइक एक साइज बड़ा जो मुझे ब्रीदेबल फील हो सके जिम के वक्त. ऑलरेडी स्पोर्ट्स ब्रा तो टाइट होता ही है. ये वाला मैं अंदर से पहन के आती हूँ वरना अगर कोई इधर चल रहा होगा ना उनको लगेगा कि व्हाई इज दिस गर्ल टेकिंग ऑफ हर टॉप इन पब्लिक. आई बी बैक. मस्त लग रहा है ना ये वाला, वो स्मॉल की फिटिंग ऐसे बॉडी फिटिंग आती है एंड आजकल मुझे मजा नहीं आ रहा इसलिए मैं लार्ज ही प्रिफर करती हूँ. आई थिंक माय आईलाइनर मैचेस द टॉप ने. हाँ यस, आई ब्रिंग समथिंग. दिस इज द नेक्स्ट वन एंड आई लव दिस क्योंकि ये जेन्युइन 40 वाइब्स देता है. स्पोर्ट्स के कपड़े ना काफी बार ऐसे कलर ब्लॉक मतलब क्या होता है मालूम है कि इन ज्योमेट्रिक डिजाइन देयर आर डिफरेंट कलर्स. सपोज इसको और हाफ में डिवाइड करते थे, यहाँ पे नियॉन येलो ब्लैक ब्लू रेड, सो कलर ब्लॉकिंग बोलते हैं कि ब्लॉक्स में अलग अलग कलर्स. तो कलर ब्लॉकिंग एक्चुअली बहुत ही स्पोर्टिव, बहुत स्मार्ट लगता है. सो गेटिंग दिस टॉप फॉर सच अ लो प्राइस वॉज अमेजिंग. इसका साइज मालूम है एक्सेल है एंड सी हाउ दिस इज गोना फिट ऑन मी. इवन दो मैंने दो टॉप पहन रखे हैं नीचे, इट डजंट मैटर दैट मच. सो एक्सेल भी उतना बड़ा नहीं आता. सो इफ यू लाइक मेरे जैसा लूज फिटिंग ना तो यू ऑल्सो बाय अपने साइज से दो तीन साइज बड़ा, बट इफ यू लाइक बॉडी फिटिंग स्टफ देन अपने साइज से सिर्फ एक साइज बड़ा लेना, इल फिट यू. लाइक मस्त लग रहा है. इसके ऊपर पहन सकती हूँ, मेरे को ऐसे हॉल करने में मजा आता मालूम है कि आई डोंट हैव टू लीव टू ट्राई इट ऑन. तो या इट इज दिस फुल स्लीव ऑरेंज टॉप जो एक्चुअली आप सबको बहुत पसंद आया था जब मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था. तो आई एक्चुअली हैड ऑर्डर्ड इसमें पिंक नियॉन येलो मरून एंड ब्लैक, बट वो ऑर्डर बहुत लेट आया. मैंने ऑर्डर किया उससे 2 महीने लेट आया था, तो फिर मैंने वापस लाइक आई वॉज जस्ट एंग्री कि मेरा ऑर्डर इतना लेट क्यों आया, तो मैंने वापस भेज दिया कि अब मुझे नहीं चाहिए अभी वापस लेके जाओ. तो गुस्से में आके मैंने उसको कैंसिल कर दिया. बट या ठीक है, चल रहा है ना जिंदगी उसके बिना भी, तो आई एम जस्ट गोना थिंक कि मैंने पैसे बचाए. हाँ आई ट्राई इट एंड शो यू. इसका हाई नेक इज सो गुड बिकॉज समटाइम्स हाई नेक मेक अस लुक वेरी चबी, मोर चबी देन वी आर. बहुत मच ऊपर से मैंने शॉर्ट्स पहन के रखे हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट्स हैपनिंग टू मी, इफ यू नो व्हाट आई मीन. यूजुअली अगर रेप केसेस होते तो लड़कियों को नहीं बोला जाता कि आपने ऐसे कपड़े पहने थे इसलिए आपके साथ हो रहा है. आई थिंक इट्स ओनली एप्लीकेबल टू मस्कीटोज. इफ वी गिव देम सरफेस एरिया दे बाइट, नॉट टू ह्यूमंस. ओके आई गेट द नेक्स्ट आइटम. ये नेक्स्ट आइटम ना शीन से नहीं है, ये मैंने स्प्लैश से लिए थे बहुत सारे गंजीज आई थिंक 1.5-2 साल पहले. अभी तो जहाँ से मैंने लिए थे ना वो स्प्लैश वाला शोरूम ही बंद हो गया. बट व्हाई आई केप्ट दिस इन दिस हॉल विद मी, कि ऐसे सादे गंजीज आप कहीं से भी खरीद के टेलर के पास से इसको क्रॉप करा के यू कैन गेट इट मेड लाइक अ रियल टॉप. क्योंकि यूजुअली जो सस्ते वाले गंजीज हैं ना पैंटालून या यू नो ऐसे ब्रांड्स में, दे आर नॉट नेसेसरीली द मोस्ट फैशनेबल, तो वो क्रॉप तो नहीं होते जल्दी से, काफ़ी लंबे होते हैं. तो अगर आपको ऐसे सस्ता फैशन ट्राई करना है ना तो यू बाय द चीप आइटम्स एंड बस टेलर के पास जाकर उनको बोलो कि आप ये लेंथ पे काट दो, दे मेक अ रियली गुड टॉप. आई ट्राई दिस एंड शो यू, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. सी इट लुक्स नाइस. तो यू शुड टोटली ट्राई दिस हैक. आप मेन सेक्शन से भी गंजीज या नॉर्मल टी शर्ट्स खरीद सकते हो. डीमार्ट हैज गुड मेन्स टी शर्ट्स
तो वहां से ले लेने का 100-150 रुपए के आ जाते हैं एंड टेलर के पास अगर क्रॉप करा लोगे तो मस्त बहुत ही अच्छा आउटफिट बनेगा. Because now I think my gym wear is sort of over. अभी मैंने बस थोड़े से फैंसी टॉप्स से लिए थे सस्ते वाले बजट में बस डेली वेयर में पहनने के लिए या वीडियोस में पहनने के लिए. द फर्स्ट टॉप दैट आई बॉट इन दैट कैटेगरी इज दिस ब्यूटीफुल येलो टॉप. येलो मेरा फेवरेट कलर है कपड़ों के लिए, मुझे येलो कपड़े पहनना बहुत पसंद है. तो ये एक हॉटर नेक टॉप है एंड इसका ऐसे पीछे से बैक है. तो गुड पार्ट इज कि इसका ये पिछला हिस्सा इलास्टिकेटेड है तो अच्छे से स्टिक हो जाता है बॉडी को, वरना अगर वो लटकते रहता ना तो हॉल्टर नेक्स में फिर बराबर लॉन्जरी नहीं पहन पाते. तो इसलिए आई रियली लाइक दिस टॉप एंड इसका मटीरियल भी पॉलिएस्टर ही नहीं है तो मुझे ये कंफर्टेबल लगता है. एंड अनदर थिंग आई वॉन्ट टू शो यू विद दिस आर दिस पेयर ऑफ शॉर्ट्स. These shorts are my favorite out of all the shorts I've bought on Shein because ये सबसे लंबे हैं. मुझे shorts पसंद है पर ये थोड़ा ज़्यादा ही short हो जाता है, like मैं बाहर पहन के इसको जल्दी से नहीं जा पाती. तो these ones are good like that but इसका material बहुत ही हल्का है, बहुत ही सस्ता लगता है इसका material to be honest. तो because of that मैं इसको जल्दी से नहीं पहनती. तो अगर ये shorts ये material में बनाते हैं तो I would have been very very happy. So I'll try these both and my dad is walking outside on that road and he just called me ki bhai aise kapde pehne ke kahan chale ho aap, I said main video nikal rahi hu and then he said something more jo mujhe samajh mein nahi aaya. But honestly we still fight so much about my choice of clothes. I tell you also abhi bas andhera hone hi aaya hai. This is what this whole outfit looks like. Bola tha na ye shorts look better, like see na much better fit. And the top, मैंने इसमें actually size large ही लिया है थी. Like I love this. And take a step out into the... I'll bring the next top. Okay, next है ये दोनों टॉप्स जो दोनों स्ट्राइपी वाले टॉप्स हैं, but दोनों के straps actually अलग है. तो जो ये black पे white stripes वाला है ना, इसका पीछे से क्रिस्ट क्रॉस है, बहुत ही अच्छा लगता है. ट्राई टॉन एंड शो यू. एंड जो व्हाइट वाला है वो बहुत बेसिक है, वी नेक है. मुझे वी नेक टॉप एक्चुअली काफी अच्छे लगते हैं. तो इसका ऐसा नेक लाइन है एंड पीछे से इट्स लाइक दिस. सो फर्स्ट आई ट्राई दिस वन एंड शो. यार बहुत अंधेरा हो गया. ओके सो दिस इज व्हाट दिस टॉप लुक्स लाइक. आगे से दो जो अलग स्ट्रैप्स है ना दिख के आता है, सो आई रियली लाइक दैट. एंड पीछे से मस्त है ना. तो दिस टॉप का मटेरियल इज रिब्ड, RIBBED. रिब्ड मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल कपड़ा होता है ना उसमें भी लाइंस लाइंस होता है, तो दैट इज इलास्टिकेटेड. तो क्योंकि वो इलास्टिक होता है ना और आपको बेटर फिटिंग देता है और आपके बॉडी को स्टिक हो जाता है. जो तो दूसरा वाला ना व्हाइट वाला वो कॉटन ही मटीरियल है तो वो इतना स्टिक नहीं होता बॉडी को. वो एक शेप उसका टॉप का अपना खुद का ही शेप है, वो ऐसे ही बैठता है बॉडी पे. वो मैं पहन के अभी आती. दिस इज फॉर द वाइट टॉप लुक्स लाइक. बोला था इसका एक अपना ही फिटिंग है, बहुत ज्यादा बॉडी फिटिंग नहीं है. बट दिस इज अ वेरी कैजुअल टॉप, लाइक हाई वेस्ट से ब्लू जीन्स के साथ ही बहुत स्मार्ट लगेगा. नेक्स्ट इज दिस लाइट है क्या? लाइट नहीं. ओके नेक्स्ट इज दिस मरून टॉप जो मैंने सरोजिनी नगर के सिट डाउन हॉल में पहना था. फिट्स एंड लुक सो गुड. ये आई थिंक मैं इसके ऊपर पहन के बता सकती हूँ, टाइम से हो जाएगा और कुछ नहीं. इट लुक्स वेरी स्मार्ट. इसका ना फिटिंग ही कुछ अलग है एंड बहुत अच्छा रिच लुक देता है ये वाला टॉप. तो मैं सोच रही हूँ कि आज डिनर पे ये वाला पहनूं या तो नियॉन पिंक वाला पहनूं. आई शो यू राइट आफ्टर दिस. लव दिस टॉप अ लॉट. ये आई थिंक मेरे टॉप 3 में इजीली आएगा फ्रॉम दिस हॉल. आई गेट द पिंक वन. इतना चटक और ब्राइट कलर है ना ये कि आई लव दिस. मुझे ना ब्राइट कपड़े बहुत 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 पसंद है एंड ये वेलवेटी फील है तो इट लुक्स क्वाइट रिच टू बी ऑनेस्ट. आई ट्राई दिस ऑन शो यू. मस्त है ना. आई एम रियली रियली सॉरी कि इतने अंधेरे में कपड़े दिखा रही हूँ, लेकिन सिर्फ 3 टॉप आके हैं तो मुझे इसको कल पे नहीं डालना क्योंकि इतना मजा आ रहा है. एक फ्लो बैठ गया है तो अभी दिखा देना था. सो द सेकेंड लास्ट टॉप वी हैव, सेकेंड लास्ट नो थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट टॉप दैट वी हैव इज ये ट्रांसपेरेंट जैसा ग्रीन मेश टॉप. ये एक्चुअली मैंने न्यू ईयर्स पे पहना था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होने का मन नहीं हो रहा था वो दिन. बट दिस इज लाइक अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ नॉट बींग वेरी ड्रेस्ड अप बट स्टिल इट लुकिंग एलिगेंट.
So I'll show you the picture on the website to give you an idea कि ये actual में इसका color कैसा है. But यहाँ पे आपको fitting का idea आ जाएगा. I'm wearing this on this top only because ये transparent है ना, तो I cannot wear it directly. इसके अंदर कुछ ना कुछ पहनना ही पड़ता है. तो it's a good way to style it कि अंदर अगर आपने ऐसे bright neon पहन लिया तो top का color change हो जाता है, like style change हो जाता है. Second last top is this tube top जो मैंने genuinely सिर्फ और सिर्फ YouTube वीडियो में पहनने के लिए ही लिया है because this is very very small and personally मैं comfortable feel नहीं करती बाहर ऐसा सिर्फ ऐसा पहन के जाने में. Also because my upper body is I think on the heavier side, so these kind of tops don't actually help me in covering myself up. But I actually have worn this in one or two YouTube videos and बहुत अच्छा लग रहा था. तो इसका पैसा तो वसूल हो गया इसमें. आई थिंक इट वॉज नॉट मोर देन 200 या 250 रुपीज. सो आई एम वेयरिंग दिस ऑन दिस टू गिव यू एन आइडिया कि आप ऐसे भी स्टाइल कर सकते हो. एंड दैट लीव्स अस टू आवर लास्ट टॉप. आवर लास्ट टॉप इज दिस वन जो मुझे बहुत पसंद है. मैंने ना ऐसा सिमिलर टॉप अमेजोन से लेने का ट्राई किया था बट उनका मटीरियल मुझे अच्छा नहीं लगा था इस पर्टिकुलर पैटर्न में. इसका फिटिंग और मटेरियल काफी बेटर है. सो आई ट्राई दिस ऑन कम. बस एक मिनट लास्ट वाला है, प्लीज बेयर विद मी. आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट. सी मुझे ऐसे प्लेन कलर वाले टॉप्स बहुत अच्छे और स्मार्ट लगता है यार, इसलिए आई कीप ट्राइंग देम अलग अलग कलर्स एंड दे आर क्वाइट चीप ऑन शीन. तो ऑनेस्टली आई लाइक बाइंग देम फ्रॉम शीन की एक टॉप के पैसे में तीन चार टॉप आ जाता है ऐसे वाले, स्पेशली बेसिक वाले. तो बस दिस वॉज माई शीन हॉल. आई होप आपको देखने में मजा आया. आई अगेन अपोलोजाइज टू यू कि आपको अंधेरे में काफी कपड़े मैंने दिखाए बट मुझे बहुत मजा आ रहा था शूट करने में तो मुझे स्टॉप नहीं करना था. ऑल्सो आई नो मेरा वेट गेन हो गया है. सो प्लीज डोंट कॉमेंट अबाउट इट बिकॉज इट डज ट्रिगर. ओहो मच्छर ने बहुत बुरी तरह काटा. So I was saying कि it does trigger me in a very negative way अगर मुझे बार बार कोई point out करके बताया कि हेली तुम्हारा पेट आ गया है, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो. In fact last video पे तो किसी ने लिखा कि हेली यू लुक प्रेगनेंट. इट puts me in a negative space. So I hope you will understand that I am working on my health, mental and physical both quite actively. And yeah, I am very happy where I am right now. So please don't. And please try not to comment about it and I'll see you in the next video. Abhi pakka wala bye. Goodbye. Hi again, I just want to say ghar ke andar rehna, please ghar ke andar rehna because if not for you think about all the doctors and everyone jo apni jaan isliye daav pe laga rahe tha ki hum safe rahe. To unko kaisa lagega ye dekh kar ki hum jinke liye mar rahe, literally mar rahe, jaane ja rahi hai doctors ki, unhi logo ko koi farak nahi padta, unko bas bahar tehlne jana hai. To unka thoda respect karte hai, ghar pe rehte hai. And as a part of making more videos for as long as we're stuck inside, stuck is the wrong word, but for as long as we're safe inside, that's the right word. Please aapke questions batana comments mein with the hashtag #AskHeli because I want to make Q&As and I have a mom and dad at home as well. So aap unke liye bhi questions chhod sakte ho. So I can make this video ki my dad answers your questions or my mom answers your questions aise. So achhi questions chhod dena taki mazedar Q&A aa paaye. And stay home, stay safe. Control and take a step out into